लोन माफ करवा लो भैया, लोन माफ करवा लो, हजारों करोड़ों रुपए के बैंकों से लोन लो, अपने आप को डिफॉल्ट घोषित करो, देश को छोड़ के चले जाओ, या फिर अपने आप को कंगाल घोषित कर दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट बैठी आप लोगों के लोन माफ करने के लिए, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आरबीआई की स्टेटमेंट है। हमारे देश के जो फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट है साकेत गोखले जी ने आरटीआई लगाई थी आरबीआई में और गवर्नमेंट में कि कितने करोड़ों रुपए के जो कॉर्पोरेट लोन है वो माफ हो रहे हैं, और लगभग हमारे देश के जो 50 मैन डिफॉल्टर है उनकी लिस्ट आपके सामने आई है, इधर भी आप राइट साइड में देख रहे होंगे, जिसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद एक्सेप्ट किया कि 68,607 करोड़ रुपए के जो लोन है कॉर्पोरेट लोन उनको पूरी तरह से माफ कर दिया गया, उनको राइट ऑफ कर दिया गया। लेकिन यदि आप यानी अगर एक सिंपल बरोवर है जो जिन्होंने बहुत कम लोन ईएमआई ले रखा है, अगर वो बैंक के अंदर मोरेटोरियम लेने चला जाए या फिर रिकास्ट के लिए अप्लाई करना चाहे तो डायरेक्टली बैंक वाले उसको भगा देंगे, उसको धमकी देंगे, लोन रिकवरी एजेंट को आपको गाली गलोच मिलेगी, आपका लोन रिकास्ट नहीं होगा ना मोरेटोरियम मिलेगा। और अगर आप फिर भी लोन ईएमआई को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन की धमकी दी जाती है, यानी कि जो छोटे बोरोवर है उनको दबाते जाओ इतना दबा दो कि उसकी जान निकल जाए, और जो बड़े मोटे बरोवर हैं जो कॉर्पोरेटर लोन लेते हैं उनको डायरेक्टली आसमान पे छुड़ा दो ताकि वो देश छोड़कर ही आसमान से ही डायरेक्टली निकल जाए। और आज की सेम कंडीशन यही है, जो आरटीआई लगाई गई है उसमें 50 टॉप डिफॉल्टर आए हैं सामने, जिसके अंदर 68,607 करोड़ रुपए का इतना बड़ा अमाउंट आरबीआई ने राइट ऑफ किया है, जिसके अंदर आरटीआई में मेंशन किया गया कि जो चोक्सी स्कैम है गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के नाम से 5,492 करोड़ रुपए माफ, उसके बाद नक्षत्रा ब्रोवर्स था उसका 1,109 करोड़ रुपए का लोन माफ, REI एग्रो लिमिटेड कंपनी उसका 4,314 करोड़ रुपए का माफ, उसके बाद विंसम डायमंड 4,076 करोड़ रुपए की अमाउंट राइट ऑफ, जो रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके 2100 करोड़ रुपए बिल्कुल पूरी तरह से माफ, रुचि सोया आपको पता होगा कि अपने आप को इन्होंने डिफॉल्ट घोषित किया था, 2212 करोड़ रुपए का जो लोन है राइट ऑफ हुआ था, होम डेवलपर कंपनी लगभग 2012 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ, और बच गए हमारे महानुभाव विजय माल्या जी, उन्होंने लगभग डिफॉल्ट किया था 1,943 करोड़ रुपए का, यानी ये राइट ऑफ हुआ है। टोटल अगर कैलकुलेशन करें पूरे 50 डिफॉल्टर की लिस्ट निकालते हैं तो 68,607 करोड़ रुपए 2020 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राइट ऑफ किए गए हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन है। लेकिन आप लोगों का राइट ऑफ नहीं होगा, जो छोटे बरोवर है हम जैसे लोग हैं उनका राइट ऑफ नहीं होगा, कभी भी इनको मोरेटोरियम भी नहीं देना चाहते हैं, ना ही इनके ऊपर जो है लीगल एक्शन की कोई कसर छोड़ी जाती है। यानी अगर किसी तरह से अगर छोटा मोटा बरोवर है अगर चला भी जाता बैंक के अंदर, भाई साहब ये समझ लीजिए कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है बैंक वालों से मांग रहा है कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, यानी लोन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने अपना एक डाटा प्रोड्यूस किया था जिसके अंदर बोला था कि अगर हम लोन ईएमआई के ऊपर पूरी तरह से इंटरेस्ट माफ करते तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का जो बोझ है गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जो ये 68,607 करोड़ रुपए का जो बोझ पड़ा है वो लोन माफ हुए हैं वो किसने सहन किया है, ये समझने की बात अभी भी दूर है। अगर लोन मोरेटोरियम या लोन ईएमआई की बात करते हैं दोस्तों तो डायरेक्टली मीटिंग के ऊपर मीटिंग हो रही है, कोई कहीं से मीटिंग कर रहा है, कोई कहीं से मीटिंग कर रहा है, लेकिन रिलीफ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इस कोविड जो सेकेंड वेव है इसके अंदर कम से कम अमूमन बनता था कि आप लोन रिकास्ट सबके लिए एक्टिवेट करें या फिर मोरेटोरियम कुछ समय के लिए बढ़ाए, लेकिन नहीं, इसके ऊपर फिलहाल भी मीटिंग ही चल रही है, डीएफएस के साथ मीटिंग है, कैबिनेट लेवल की मीटिंगें चल रही हैं क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बैंक हैं और एनबीएफसी कंपनी है वो तो दबा के पेनल्टी चार्जेज अभी भी ठोक रहे हैं। क्यों ठोक रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बोरोवर को दबाते रहो, कोई भी बोरोवर अपना सिविल खराब करना नहीं चाहता, क्योंकि हम जो छोटे मोटे जो लोन लेने वाले हैं ना दोस्तों, मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें भविष्य में भी लोन चाहिए, क्योंकि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम कभी भी हमें लोन के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आज हम लोन ले लेते हैं अगर वो नहीं भरते तो एक सिविल का जो नाम का तीर है बैंक वाले दबा के चला देते, तुरंत तीर छोड़ देते कि सिविल खराब कर देंगे भैया। और हम लोग भी जानते हैं कि अगर यार आज सिविल खराब हो गया तो कल फिर हमें लोन की जरूरत पड़ेगी, चाहे लोन होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका लोन भर दे। लेकिन जो कॉर्पोरेट लोन है उनको सिविल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो लोन है वो पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर रहते हैं, कंपनियों के ऊपर रहते हैं, अगर वो कंपनियां डूबगी तो उसके सिविल के ऊपर पर्सनली कुछ नहीं फर्क पड़ता, कंपनी गई उनका लोन माफ, उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम अपना लोन भर सके, तो इसी वजह से बैंक वाले भी कतरा रहे हैं कि नहीं भैया ये इसको तो आज नहीं तो ये कल लोन भरेगा, परसों भी इसको लोन की जरूरत होगी। तो इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो लोन ईएमआई मोरेटोरियम अभी इसके ऊपर डिसीजन चल रहा है,
देखते हैं दोस्तों कब तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन आएगा, अभी हाल में यही चल रहा है, जैसे कोई अपडेट आएगा जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप एक कॉरपोरेटर और आपने कॉरपोरेट पर लोन ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, तो भैया आपका माफ हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंडिविजुअल बोरोवर है तो कोई भी कंडीशन नहीं है कि लोन माफ हो जाएगा। फाइनली दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है वो भी आप सजेशन में दीजिए कि क्या ये माफ करना सही है। और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे।